श्रीमान अदम वर्कशीट 20 करेंगे, इंग्लिश की क्लास 7 की 27 सितंबर की। तो आज हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे अपने एनिमल्स को और उनकी प्लेसेस को। तो एनिमल्स जैसे कि लॉयन, उनका हैबिटेट क्या होता है? डैन। स्पैरो, स्पैरो का नेस्ट हॉर्स का होता है स्टेबल। स्पाइडर का कोब वेब यानी जाला, और रैबिट का मिडो यानी कोई हमारा छेद टाइप का, कोई होल टाइप का होता है जिसमें रैबिट रहता है, उसे मिडो कहा जाता है। अब जो आपको बता रखा है, व्हाट अबाउट गोस्ट? गोस्ट के बारे में आप जानते हैं क्या होते हैं? भूत। क्या वो होते हैं और ये कहाँ होते हैं? तो अपन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इस पोयम में, जिसका नाम है क्या? द शेड। देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे गार्डन के बॉटम में एक शेड है विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अराउंड अक्रॉस द डोर, जो कि जहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर के जाले हैं पूरे गेट पर। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। जो गेट है, जो दरवाजे हैं और जितनी भी खिड़कियाँ हैं वो सब टूट चुकी है, चटक चुकी है विंड की वजह से। When I am in bed, I lie and listen. जब मैं अपने घर में होता हूँ तो मैं उसमें एक आवाज़ सुनता हूँ। I'll open that door one day. मैंने ये सोच रखा है एक दिन मैं वो डोर खोलूँगा। There's a dusty old window around at the side. वहाँ पे बहुत विंडोज भी हैं जहाँ पे वो चटकी हैं। I often think there's someone starting at me. मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। Each time that I pass, जब भी मैं वहाँ से देखता हूँ। I'll peep through window one day. एक दिन मैं उस विंडो से झांकूंगा भी। My brother says there's a ghost in the flat. मेरा ब्रदर कहता है वहाँ पे एक गोस्ट रहता है जो कि छुपा होता है उस सड़े हुए फ्लोरबोर्ड यानी जमीन के नीचे। And if I were dare to set foot inside, अगर कोई भी कोशिश करता है अंदर फुट रखने की, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. वो कहता है अगर कोई भी घुसने की कोशिश करता है तो वो बाहर आ जाता है और उसका हेड काट के खा जाता है। और बट आई पीक वन डे, पर मैं एक दिन जरूर देखूंगा। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ गोट। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई गोश्त है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, क्योंकि मेरा ब्रदर चाहता है कि वो इस शेड के बारे में किसी और को ना बताए, ना जाने दे शेड में, और झूठ बोलता है। There isn't anyone staring or making strange noises. पर वहाँ पे कोई तो है जो इतनी noises करता है। And the spider has been gone from his web. और जो spider है वो अपने web से जा चुका है तब भी। Since I don't know when, इसलिए मुझे नहीं पता कौन है। I'll go into that shed one day soon. मैं किसी न किसी दिन जल्द ही उस shed में जाऊँगा। But not just yet. पर अभी नहीं। तो ये the shed poem थी। अब आपको क्वेश्चंस दिए हैं एमसीक्यू। द शेड इज लोकेटेड, शेड कहाँ पे थी? एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। व्हाट डज हिज ब्रदर टेल हिम, किसके बारे में बताया था? दैट देयर इज अ गोस्ट इन द शेड। अब पॉइंट कहते हैं बट आई विल टेक अ पीक वन डे। यहाँ पे पॉइंट की कैसी जो है वो विश है। तो ही इज ब्रेव, वो दिखाते हैं मैं ब्रेव हूँ। द ऑथर्स ब्रदर वॉन्ट्स हिम नॉट टू, वो क्या नहीं करना चाहता था, क्या नहीं करने देना चाहता था, शेड के अंदर पोएट को नहीं जाने देता था। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।